तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग इसका एडिटिव इनवर्स लिखने वाले हैं। मतलब इसमें बेसिकली करना क्या है, मान लीजिए हमें यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, हमें इसकी जगह ऐसा चीज़ प्लस या माइनस करना है कि ऐसी चीज़ प्लस या माइनस करनी है कि उसका आंसर ज़ीरो आ जाए। तो चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं 2/8, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2/8। जब हम लोग 2/8 और -2/8 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं, ये रहा इसका एडिटिव इनवर्स। सेकेंड देखते हैं -5/9, -5/9 है तो आप लिख दीजिए इसका +5/9। अगर चेक करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं दोबारा देख के। थर्ड देखते हैं -6/-5। तो देखिए यहाँ हम लोग को ट्रिक करने के लिए ये सब किया गया था। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 6/5। और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसका एडिटिव इनवर्स होता है -6/5। अगर आप 6/5 को 6 पाए तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। फोर्थ का 2/-9। अब ये जो माइनस साइन है ना, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लगा रहता, ये हमेशा न्यूमरेटर। तो सबसे पहले हम लोग इसे न्यूमरेटर में कर लेते हैं। अब इसके बाद -2/9, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं +2/9। फिफ्थ देखते हैं 19/-6, फिर से वही माइनस को न्यूमरेटर में लाते हैं और डिनोमिनेटर से माइनस को हटा देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं लगता। तो इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स, तो इसका होगा +9/6। तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। वेरीफाई डैट -x=x। सबसे पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताने वाला हूँ, माइनस टाइम्स प्लस इज इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस टाइम्स माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। कहने का मतलब कोई माइनस डिजिट को किसी माइनस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें पॉजिटिव डिजिट ही मिलेगी। तो हमें इसे वेरीफाई करना है इसी चीज़ को। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं एक्स की वैल्यू -15, तो हम पहले यहाँ माइनस लिख लेते हैं, 11/15 इज इक्वल्स टू, यहाँ हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, माइनस माइनस प्लस कर देना है, यहाँ हमें दोबारा यही पुट कर देना है। देखिए आ गया हमारा दोबारा x, माइनस माइनस प्लस बन गया। यहाँ भी सेम वही करना है, -13/17 इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस बन गया और ये प्लस माइनस माइनस ही रहा है, 13/7। तो आप देख सकते हैं 13/7 x की वैल्यू के बराबर। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।